क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। समझो कि कोई पेशेंट जो है वो आता है और ओपीडी के अंदर या इमरजेंसी के अंदर, और आप उसका जो है ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करते हो, और उसका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ही कम है। समझो कि जैसे है सिस्टोलिक 60 एंड डायास्टोलिक है 40, तो वो बहुत ही कम ब्लड प्रेशर है। तो ऐसे केसेस के अंदर जो है वो अपने पास जो अवेलेबल ड्रग्स वगैरह जो रहते हैं, तो उसमें से जो मेन दो ड्रग जो यूज़ होते हैं ऐसे लो ब्लड प्रेशर या कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर, उसमें से दो ड्रग जो है, एक है डोपामिन और दूसरी जो है वो डोब्यूटेमाइन। इनमें से कौन सी ड्रग जो है वो हमें यूज़ करनी चाहिए, उनकी इफ़ेक्ट्स क्या है और उनके डिफरेंसेस क्या है, उनमें से कौन सा ड्रग जो है वो बेटर है, इसको समझने के लिए जो है वो हम तीन पॉइंट्स में अंदर जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चीज़ जो है कि जैसे कि डोपामिन है या डोब्यूटेमाइन है, दोनों ही जो है वो एड्रेनर्जिक ग्रुप ऑफ ड्रग्स के अंदर जो है वो आते हैं। ठीक है, जो डोपामिन जो है, जो कि प्रिकर्सर है नॉर एड्रेनालिन का, उसके जो रिसेप्टर्स जो है वो D1, D2, β1 एंड α1 रिसेप्टर है, जबकि डोब्यूटेमाइन जो है वो प्रीफरेबली सिर्फ और सिर्फ जो है वो β1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे ही जो है वो काम करता है। तो अगर डोपामिन की अगर हम बात करें, तो इसके एक्स्ट्रा एड्रेनर्जिक के अलावा जो रिसेप्टर्स जो है D1 एंड D2 रिसेप्टर्स जो है वो है। डोपामिन जो है वो प्रिफरेबली फिर भी ज़्यादा यूज़ होता है, बट उसके रिगार्डिंग आपको समझ में होना चाहिए कि उसकी जो एक्शन जो है वो बेसिकली डोज मीडिएटेड एक्शन जो है वो देखने को मिलती है। उसको तीन कैटेगरी के अंदर हम जो है वो डिवाइड करते हैं। अगर लो डोज में अगर वो जा रहा है कि जिसका कि डोज जो है वो 0.522 माइक्रोग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर मिनट, उस केसेस के अंदर जो है वो उसकी D1 D2 एक्शन जो है वो प्रोमिनेंट होती है। उसके मीडिएटेड जो किडनी जो है उसके अंदर वो वाजो डायलिटेशन होगा, GFR जो है वो उसका बढ़ेगा, और बॉडी में जो फ्लूड जमा हुआ है वो नेट्रो यूरेटिक एक्शन जो भी है वो भी इसके अंदर देखने को मिलेगी। जो रूटीन यूज़ जो होता है, जो कि उसका डोज जो है 2 to 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, रूटीन जो डोज जो है, जो कि जो है बेसिकली 2 to 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, उसके अंदर जो है वो हमको उसकी β1 एक्शन भी जो है वो प्रोमिनेंट देखने को मिलती है। β1 जो है वो मेनली हार्ट के अंदर है, तो उसके कारण जो है वो उसकी आइनोट्रॉपिक एक्शन देखने को मिलती है। कार्डियक आउटपुट जो है वो उसके कारण बढ़ता है, हार्ट जो है वो स्टिमुलेट होता है, और ब्लड प्रेशर जो है वो उसके कारण बढ़ता है। तो इस कंडीशन में हमको याद में रखना होता है कि उसका डोज जो है वो प्रॉपरली मॉनिटर वहाँ पे होना चाहिए। अगर उसका डोज 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे केसेस के अंदर जो है वो उसके अंदर α1 एक्शन जो है वो भी देखने को मिलती है, और α1 जो है उसके मीडिएटेड जो है वो पेरिफेरल वाजो कंस्ट्रिक्शन होता है, जिसके की कारण जो है वो पेरिफेरल ब्लड सप्लाई जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, और ऑर्गन डैमेज भी जो है उस कंडीशन में हो सकता है। तो जब भी आप डोपामिन दे रहे हो, किसी भी पेशेंट्स को डोपामिन जा रहा है, तो उसका यूरिन आउटपुट मेजरमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लो डोज के ऊपर तो जो है वो वहाँ पे D1 D2 मीडिएटेड GFR बढ़ेगा, बट आपका डोज जो है वो 10 माइक्रोग्राम पर केजी से भी ज़्यादा जब जा रहा है, तो ऐसे केसेस के अंदर जो है वो α1 मीडिएटेड जो है वो ऑर्गन के अंदर डैमेज इफेक्ट भी जो है वो आ सकता है। कौन कौन से कंडीशंस के अंदर जो है वो हम डोपामिन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, तो डोपामिन का मेन यूज़ जो है, जब भी पेशेंट जो है वो लो ब्लड प्रेशर है, मेज़र बहुत ही कम आ रहा है, तो ऐसे केसेस के अंदर हार्ट जो है पंप बराबर नहीं कर पा रहा है, ऐसी कंडीशंस के जैसे कार्डियोजेनिक शॉक है, सेप्टिक शॉक है, या फिर हार्ट फेलियर है, ऐसे केसेस के अंदर जो है वो डोपामिन देने से आइनोट्रॉपिक इफेक्ट और उसके कारण जो है कंडक्शन वेलोसिटी भी बढ़ती है एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव। डोब्यूटेमाइन जो है, जिसकी कि मेन और सिर्फ इफेक्ट जो है वो β1 रिसेप्टर है, नो डाउट इसका प्रिकर्सर ही है, बट इसके अंदर जो है वो D1 D2 इफेक्ट्स मेनली देखने को नहीं मिलती है, और इसका डोज जो है 2 to 8 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट है, जो कि इसका भी मेन डोज जो है और इसका जो रूटीन डोज जो है वो ऑलमोस्ट सेम रेंज के अंदर ही आता है। मतलब कि यह समझ के चलो कि 60 केजी का अगर
पर्सन जो है, और इसके अंदर भी हम जो है वो मिडल ले ले, टू और फोर माइक्रोग्राम ले ले, सो 240 और 0.2 मिलीग्राम पर मिनट, इतना एक सिंपली जो है वो 0.221 मिलीग्राम पर मिनट केजी अगर हम हटा दें केजी को मल्टीप्लाई करके, सो माइक्रोग्राम विल बी मिलीग्राम, उतना डोज जो है वो ऑलमोस्ट एक मिनट में जाना चाहिए। उसके जो प्रिपरेशंस जो है वो बेसिकली डाइल्यूट करके जो है वो उसको पंप के अंदर डाल के इन्फ्यूजन जो है वो लगाना पड़ता है। तो ये बेसिकली सिलेक्टिव है, हार्ट की जो है वो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बहुत अच्छे से बढ़ाता है। हार्ट फेलियर के अंदर इसका भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ड्यूरिंग कार्डियक सर्जरी हम यूज़ कर सकते हैं, अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन फॉलोड बाय अगर पंप फेलियर है जिसके के अंदर हार्ट पंप ही नहीं कर पा रहा है, ब्लड प्रेशर भी बहुत ही कम रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसे केसेस में डोप्यूटामाइन भी जो है वो बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव हमारे पास है। सो डोपामिन अगर आप दे रहे हो तो मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है, डोज जो है वो पर्टिकुलर रेंज से जो है वो पेशेंट के अंदर ऊपर नहीं जाना चाहिए। डोप्यूटामाइन जो है एज अ सेफर ऑल्टरनेटिव है, वेरी सिलेक्टिव बीटावन है, सो हार्ट फेलियर या पंप फेलियर के अंदर जो है वो डोप्यूटामाइन जो है वो भी अच्छा ऑल्टरनेटिव हमारे पास है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।